हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एचपी स्टडीज। एंड आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि भाई नाउ रिसेंटली चाइना ने तिब्बत रीजन में एक नए डैम का निर्माण किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान और अपनी तरफ चाइना ने खींचा है। नाउ बिकॉज दिस डैम इज बिल्ट इन द वेरी सेंसिटिव जोन इन द बॉर्डर रीजन ऑफ इंडिया एंड चाइना, तो भारत के लिए भी इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। अगर कोई भी चाइना एक्टिविटी करता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इस प्रकार के हाइडल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने की बात हो, या फिर भाई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स की बात हो, तो वो इंडिया के लिए कंसर्न्स रहेगा ही रहेगा। बोथ नेशंस हैव, अगर हिस्टोरिकली बात करें तो जायंट सिविलाइजेशंस रही हैं दोनों ही देशों की, और अक्सर क्लैशेस हमें होते हुए दिखे हैं। दोनों ही एशियन कॉन्टिनेंट में लीडिंग पावर्स हैं, तो ये भी एक कारण है टकराव होने का। बहुत तेजी से इकॉनमी दोनों देशों की बढ़ रही है, और ग्लोबली अगर हम बात करें भाई पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन का, तो जितना चाइना एंड इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है उतना शायद ग्लोबली किन दो देशों का कभी नहीं हो सकता। तो तिब्बत रीजन चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो अभी ये जो डैम बिल्ड किया जा रहा है, जानेंगे इस सेशन के माध्यम से कि क्या इसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसर्न है, व्हाट एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ द डैम, और क्या इसके अलावा हाइड्रल पॉलिसी हिमालयन रीजन में चाइना की है। तो चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली स्टूडेंट चाइना ने कंस्ट्रक्शन करा है न्यू डैम का। कहां पर ये कंस्ट्रक्शन करा है? मब्जा जांगपो रिवर। मब्जा जांगपो जो रिवर है ये तिब्बत रीजन में आती है बेसिकली, ठीक है जी। बिकॉज 1959 ऑनवर्ड्स तिब्बत इज कंट्रोल्ड बाय, जो कि एक ऑटोनॉमस स्टेट रहा है, बट आफ्टर 1959 इट वॉज कंट्रोल्ड बाय चाइना। सो एनी एक्टिविटी इन तिब्बत रीजन जो है वो चाइना को बेनिफिट तो जरूर देती है, हालांकि तिब्बत को भी कोई इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा जो प्रोमिसेस चाइना कर रहा है। देखिए, तिब्बत का 1959 ऑनवर्ड्स कोई बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है, कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन या डेवलपमेंट पॉलिसीज तिब्बत की तरफ नहीं रही है चाइना की, ठीक है जी। लेकिन बावजूद इसके जितना ज्यादा बेनिफिट तिब्बत से चाइना को मिल सकते हैं वो चाइना कर रहा है। तो ये जो डैम है स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे है क्या और इंपॉर्टेंट क्यों है। इट इज लोकेटेड इन द ट्राई जंक्शन रीजन ऑफ इंडिया, चाइना एंड नेपाल। ये आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से स्टूडेंट्स, ठीक है जी। यहां कहीं स्टूडेंट ये जो है, ये जो पॉइंट मैं लगा रहा हूं, यारलुंग सांगपो रिवर पे ये बनाया जा रहा है, जिसे हम ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में कहते हैं, क्लियर है। देखिए, इंडिया एंड चाइना शेयर ऑलमोस्ट 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर्स, ठीक है जी। 3488 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर हमारा हिमालयन रीजन में है। इतने लंबे हिमालयन रीजन बॉर्डर की वजह से भी डिस्प्यूट्स हमारे ज्यादा रहते हैं। अब ये जो डैम बिल्ड यहां पे हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, इसका सिग्निफिकेंस भारत पर भी बुरा प्रभाव इसका पड़ना है, और कंसर्न ना सिर्फ भारत के लिए, नेपाल के लिए भी है। तो नेपाल ने भी अपनी चिंता इसके संदर्भ में जताई है, और तिब्बत के लिए तो है ही। चले, अब जरा बात करते हैं क्या चाइना की इससे संदर्भ में और पॉलिसी है। तो चाइना, देखिए, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन पे चार डैम बना रहा है, जिसको वो सांगपो रिवर कहते हैं। चार डैम मेजरली साइट्स पे बना रहा है। कहां कहां है ये और क्या इनका प्रभाव है? पहला हम बात करते हैं ईस्टर्न लद्दाख का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, थ्रू दिस मैप यू कैन अंडरस्टैंड, इस मैप में आप ज्यादा क्लियरली देख पाएंगे। दूसरा जो है, जो अभी हमने बात करी है, सॉरी, ईस्टर्न लद्दाख का एक क्षेत्र है, यहां बना रहा है, और ये जो ट्राइजंक्शन का रीजन है जहां पर मजबा रिवर पे बना रहा है, अभी ट्राइजंक्शन रीजन में वेरी क्लोज टू द लेप रीजन जो है भारत का, ठीक है ना, या काला पानी जो क्षेत्र रहा है डिस्प्यूट का, उसके बहुत नजदीक है ये, जस्ट 16 किलोमीटर अवे। इसके अलावा जो है स्टूडेंट, जो डोकलाम का क्षेत्र रहा है, ये भी ट्राइजंक्शन का रीजन है इंडिया, भूटान एंड नेपाल के बीच, है ना, तो यहां पर भी एक डैम बना रहा है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, वेरी क्लोज टू द अरुणाचल प्रदेश रीजन, टू मोर डैम्स आर बिल्ट बाय चाइना ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। सो इट इज डेफिनेटली अ केस ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है जी। चलिए, अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, अब जरा डैम के बारे में बात करते हैं कि क्या भाई डैम है कहां पर ये, और थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो जैसा मैंने कहा भाई, 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ट्राइजंक्शन रीजन, दिस इज द ट्राइजंक्शन रीजन, एंड कालापानी का जो क्षेत्र है ये भी डिस्प्यूटेड रहा है, कालापानी रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो ये जो क्षेत्र है इसके बहुत नजदीक है डैम, बुरांग काउंटी 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कालापानी रीजन, ठीक है जी। अब
ये बुरांग जो काउंटी है इसके अलावा भी डैम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, छोटे छोटे डैम्स बना रहा है, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मतलब आप देखेंगे हिमालयन बेल्ट में जितना कंस्ट्रक्शन वर्क भारत की तरफ से नहीं हो रहा है, हमारी वाली तरफ से, उससे डबल कंस्ट्रक्शन जो है वो चाइना अपनी तरफ कर रहा है हिमालयन रीजन में। इट शोज कि वो चाहता है उसकी प्रेजेंस हिमालयन बेल्ट में बढ़े, हेगेमनी जो है हिमालयन रीजन में वो बढ़े। इट्स द पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना, ठीक है जी, एग्रेसिवली मूव टूवर्ड्स द हिमालयन बेल्ट ताकि कंट्रोल रहे सभी रिसोर्सेज पे। और जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये कहीं ना कहीं दबके रहें, ये डर के रहें, तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का भी हिस्सा है। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां से भाई ये मब्जा जांगपो जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है, इट्स द पार्ट ऑफ द सांगपो रिवर फॉर द ट्राइब्यूटरी है, इस पर ये डैम बन रहा है। अब मब्जा जो जांगपो रिवर है स्टूडेंट, ये इंडिया में जो गंगा रिवर है उससे भी जुड़ी हुई है। देखिए घग्गर रिवर के बारे में आपने सुना होगा, करनाली रिवर के बारे में सुना होगा, दीज टू रिवर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द नेपाल रीजन, है ना। तो मब्जा रिवर से फर्दर जुड़ी हुई है घग्गर और करनाली, जो बाद में गंगा से जुड़ती हैं। तो अगर डैम यहां पे बनेगा, किसी भी प्रकार का कंट्रोल चाइना का इस पे रहेगा, फर्दर इफेक्ट करेगा नेपाल और भारत को भी, ठीक है जी। और ये जो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है स्टूडेंट की ये नया है, अभी एकदम से लाइमलाइट में आ गया, 2021 से ही इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया था, लेकिन नाउ इट इज कंप्लीटेड, सो दिस इज द रीजन दैट की ये मैटर न्यूज में है। चले अब जरा आगे समझते हैं, सांगपो रिवर की भी सिग्निफिकेंस जानना हमारे लिए जरूरी है। यारलुंग सांगपो जो रिवर है स्टूडेंट, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, तो चाइना में इसको क्या नाम दिया गया है, यारलुंग सांगपो। नाउ इसका जो टोटल लेंथ है वो है 2880 किलोमीटर, ठीक है जी, जो दोनों देशों के मेजर एक रिवर हम कह सकते हैं। इंडिया में भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ट्रांस बॉर्डर रिवर इसे हम कह सकते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द मानसरोवर लेक, ठीक है जी। अब किन किन रीजन में कितनी बहती है, तो सबसे ज्यादा इट फ्लोज इन द तिब्बत रीजन, 1700 किलोमीटर तो ये तिब्बत रीजन में फ्लो कर रही है, लेकिन देखिए ये 1700 किलोमीटर जो तिब्बत रीजन में ये फ्लो कर रही है इस पर भी चाइना का नियंत्रण है, क्लियर है जी। 920 किलोमीटर इन द अरुणाचल एंड असम रीजन एंड 260 किलोमीटर इन द बांग्लादेश, सो इट इफेक्ट नॉट ओनली इंडिया, ये आपके बांग्लादेश को भी फर्दर प्रभावित कर रही है, क्लियर है जी। और अगर मैं फ्रेश वाटर रिवर्स की बात करूं, सो इस पूरे रीजन की जो रिवर्स हैं 30% फ्रेश वाटर रिवर्स को ये जो है फायदा या नुकसान पहुंचाती है, प्रभावित करती है, एंड अराउंड 40% ऑफ द हाइडल प्रोजेक्ट्स इफेक्ट्स फ्रॉम द सांगपो रिवर। सो इट शोज एनी एक्टिविटी क्रिएटेड बाय चाइना ओवर दिस रिवर विल इफेक्ट दीज नेशंस टू, ऑलराइट, या जितना भी इकोलॉजिकल यहाँ का सिस्टम है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अब भारत के लिए मेनली कंसर्न्स क्या है, व्हाई इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। सबसे पहला पॉइंट है भाई डोमिनेंस ओवर वाटर इन द हिमालयन रीजन। देखिए ये कभी भी सही बात नहीं होती किसी एक पर्टिकुलर देश का किसी एक पूरे रीजन पे ज्यादा नियंत्रण रहे, कंट्रोल रहे। जैसे साउथ चाइना सी की बात करें, कम से कम वहां पे 20 देश होंगे, लेकिन चाइना कहता है 90% जो साउथ चाइना का सी है इट इज बिलोंग्स टू चाइना, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा ही वो अब हिमालयस में भी कर रहा है, जितनी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा, डैम्स बनाएगा, रिजर्वियर्स बना रहा है, दो चीजें होंगी, एक तो सिंगल हैंडेडली कंट्रोल जाएगा चाइना के पास, जो बिल्कुल सही नहीं है, दूसरा इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। देखिए ह्यूमन एक्टिविटी जितनी ज्यादा हिमालयन रीजन में बढ़ेगी उतना ज्यादा इकोलॉजिकली हिमालयस को ही नुकसान है। तो डोमिनेंस ओवर वाटर इन द हिमालयन रीजन जो है ये इंडिया के लिए सीधा सीधा थ्रेट है। जितने भी हमारी रिवर्स, भारत की जितनी भी रिवर्स हैं हिमालयन रीजन की, वो सभी जो है इस पूरे रीजन से ही ओरिजिनेट होती हैं, है ना, तो नुकसान उन पर ज्यादा रहेगा। इसके अलावा ये भी डर है कि कहीं इन डैम रिजर्वर्स या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जो चाइना कर रहा है उसकी आड़ में अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कर रहा। देखिए एयरपोर्ट्स बना रहा है, तो एयरपोर्ट्स का सिर्फ इसलिए तो नहीं इस्तेमाल होगा कल को, है ना, कि भाई टूरिज्म को प्रमोट करना है, मिलिट्री इंगेजमेंट भी बढ़ेगी इस पूरे रीजन में, क्योंकि चाइना पे ट्रस्ट करना भारत के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक मेजर
कंसर्न इंडिया के लिए है। थर्ड पॉइंट है बट वाटर स्कैसिटी। जैसा मैंने कहा साउथ एशियन नेशंस में नेपाल, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, बांग्लादेश एंड भूटान, ये चारों देश डायरेक्ट जो है इफेक्ट होंगे, होते हैं ब्रह्मपुत्र से। अब अगर चाइना का इस पर कंट्रोल होगा तो जो चीजें होंगी, पहला है फ्लड्स आ सकते हैं, ठीक है जी, एंड दूसरा है आपके ड्राउट्स, ड्राउट्स, ठीक है जी। अब चाइना कल को चाहे तो ज्यादा पानी छोड़ दे तो फ्लड आ जाएंगे, ज्यादा पानी रोक जाए, रोक देगा तो स्कैसिटी होगी, कमी आएगी, सूखा पड़ेगा, है ना, तो ड्राउट होने की समस्या है। तो इसीलिए जो है नेचुरल जो फ्लो है उसका एक लिमिटेड इस्तेमाल ही होना चाहिए, जितना आपको जरूरत है, अदरवाइज अगर इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुआ हिमालय में तो बहुत ज्यादा दिक्कत इन सभी देशों को झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा री इन्फोर्स चाइनीज क्लेम्स ओवर डिस्प्यूटेड रीजन। देखिए बहुत सा जो हिमालयन बेल्ट में रीजन है, चाहे वो लद्दाख का क्षेत्र की बात कीजिए, नेपाल के सराउंडिंग रीजन्स की बात करें, डोकलाम का रीजन है या फिर नेफा, या जिसे आज हम अरुणाचल प्रदेश का रीजन कहते हैं, यहां पर बहुत सी टेरिटरी पे चाइना क्लेम करता रहा है। तो उनके जो डैम्स या हाइडल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहां पे, उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है। इफ यू रिमेंबर्ड इन 2016 डोकलाम इशू हुआ था, तो क्या था वो इशू, कि भाई वहां पर रोड्स बना रहा है, रेलवेज बनाने की बात कर रहा है, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ा रहा है, तो वेरी क्लोज टू द चिकन नेक ऑफ इंडिया भारत ने अपनी चिंता जाहिर करी थी, उसको बंद करवाया था। तो ऐसी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं रेनफोर्स करती है चाइनीज क्लेम्स को ऑन बॉर्डर्स, जो कि भारत के लिए भी एक चिंता की बात है। सो आई होप स्टूडेंट यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑफ अवर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें हमने डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट एक और पहलू मैं इसका जरूर बताना चाहूंगा कि हाइड्रो हेगेमनी भी बढ़ रही है चाइना की इस पूरे रीजन में। हाइड्रो हेगेमनी बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो भी समझते हैं। हाइड्रो हेगेमनी में बेसिकली स्टूडेंट क्या है कि जो तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं इस पूरे रीजन की, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड मेकोंग, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए, साउथ एशियन नेशंस के लिए। इस पे क्योंकि हिमालयन रीजन में कंट्रोल रखेगा, तीनों वाटर रिवर्स का जो ओरिजिन है उस पे नियंत्रण रहेगा, ठीक है जी, तो ये एक चिंता की बात है। इसके अलावा चार डैम हमने अभी देखा, चार डैम नए ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना रहा है, इट्स आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। इसके अलावा भारत के साथ जब भारत ने डिमांड करी कि भाई जो हाइड्रोग्राफिक एरिया, जो डैम रिजर्व्स आप बना रहे हो उसका डाटा हमसे तो शेयर कीजिए, आप बांग्लादेश के साथ शेयर कर रहे हो, नेपाल के साथ आप एग्री कर रहे हो शेयर करने के लिए, लेकिन आप इंडिया के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो ये भी एक चिंता की बात भारत के लिए है। चलिए स्टूडेंट दैट्स फॉर टुडे एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑफ अवर, कुछ नया सीखने इस सेशन के माध्यम से आपको मिला हो। स्टूडेंट्स आप हमारे इंस्टा हैंडल को ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो डिस्कशन हम कर रहे हैं आपके साथ, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।